नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं हूं स्वाति ढल। मणिपुर में शुक्रवार को अपने दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि एनडीए सरकार किसी भी कीमत पर हिंसा बर्दाश्त नहीं करेगी। इम्फाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित स्वागत समारोह में राजनाथ सिंह ने कहा कि उग्रवाद और आतंकवाद पूर्वोत्तर राज्यों की प्रमुख समस्या है जो स्वस्थ लोकतंत्र के लिए घातक है। इस दौरान उन्होंने विद्रोहियों से हिंसा छोड़ने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम, मिलिटेंसी की प्रॉब्लम एक मेजर प्रॉब्लम यहाँ की है। मैं सारे इंसर्जेंट ग्रुप से, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन से मैं अपील करना चाहता हूं कि भारत में हेल्दी डेमोक्रेसी है। हेल्दी डेमोक्रेसी में वायलेंस का कोई स्थान नहीं है, इसलिए वह वायलेंस का रास्ता छोड़े और वायलेंस का रास्ता छोड़कर सरकार के ऊपर प्रेशर बिल्डअप करना चाहते हैं तो डिमांसेशन करें, हंगर स्ट्राइक करें। अन्य भी बहुत सारे तरीके होते हैं गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बिल्डअप करने के लिए। अब वैसे पहली बार यदि कोई नॉन कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट बनी है तो कम से कम उसको 5 से लेकर 10 साल तक काम करने का अवसर देना चाहिए, इसलिए उन्हें अपनी इंसर्जेंसी को छोड़ना चाहिए। मैं उनसे ये अपील करना चाहता हूं। उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के लोगों से उनकी सरकार को एक मौका देने का आग्रह भी किया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी 65 मंत्रियों को निर्देश दिया है कि वो पूर्वोत्तर में हो रहे विकास कार्यों की समीक्षा के लिए हर 2 महीने में वहां का दौरा करें। और हिंदुस्तान की एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसकी एक अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है और उस आइडियोलॉजी के आधार पर ही हम काम करते हैं और हम अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं। कास्ट, क्रीड, रिलीजन, इस बेसिस पर हम किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। जो भी भारत का नागरिक है, जो भी भारत माता की कोख से पैदा हुआ है, सबका विकास होना चाहिए, यही हमारी सरकार का यह लक्ष्य है। वही केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत और म्यांमार के बीच सीमा व्यापार केंद्र मोरे का दौरा भी किया और वहां तैनात असम राइफल्स के जवानों के साथ बातचीत भी की। गृह मंत्री के साथ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू भी उनके साथ मौजूद रहे। ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन की तरफ से ये मांग की जा रही है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रमोशन किया जाए और लंबित पड़ी सभी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। इसके साथ ही मांग पूरी ना होने पर उन्होंने राज्य सरकार को आंदोलन की धमकी दी है। शनिवार को ईटानगर स्थित अरुणाचल प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष जाले सोनम ने कहा कि ऑल अरुणाचल प्रदेश डिपार्टमेंटल वर्कर्स यूनियन, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंटल वर्कर्स यूनियन और फॉरेस्ट डिपार्टमेंटल वर्कर्स यूनियन की तरफ से ये मांग की गई है कि लंबित पड़ी सभी मांगों को पूरा किया जाए। मास्टर रोल को हटाना है, इंस्टेड ऑफ मास्टर रोल का जगह में रेगुलर उसको करना है। मैंने देन सेकेंड पॉइंट जो है, जो लेबर अभी जो बाकी डिपार्टमेंट का जो लेबर्स है, के जो लेबर्स है, इनका जो सैलरी है ट्रेजरर चलन से हो रहा है, स्टेट बैंक से ड्रॉ करता है। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का लेबर को अभी तक हफ्ता में या महीना में ऐसे डेली वेजेस में पेमेंट कर रहा है, इसलिए फॉरेस्ट लेबर को भी बाकी डिपार्टमेंट का लेबर जैसे सैलरी ट्रेजरर चलन से लेता है तो इसी तरह लेना है। रेगुलाइजेशन का सिस्टम जो ठीक नहीं है, इसलिए हम लोग डिमांड किया कि 75% जो कॉन्टीजेंसी ऑलरेडी जो डिपार्टमेंट में काम कर रहा है उसको विदाउट इंटरव्यू डीपीसी बैठ के रेगुलाइज करना है। अगर इंटरव्यू करता है तो 75% रिजर्वेशन होना है डिपार्टमेंट वाला को, वो भी सब अरुणाचली आदमी लोग हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर 45 दिन के अंदर मांगे पूरी नहीं की जाती तो मजबूरन उन्हें सड़कों पर उतर कर आंदोलन करना पड़ेगा। 31 मार्च तक हम लोग टाइम दे रहा है। अगर 31 मार्च तक अगर सरकार ये जो डिमांड्स है अगर बिल्कुल नहीं करता है तो हम लोग 31 मार्च के बाद में सारा अरुणाचल में मजदूर का तरफ से आंदोलन शुरू करेगा। सोनम ने बताया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रमोशन सहित वेतन में TADA और हाउसिंग अलाउंसेस जोड़ा जाए और नियुक्त प्रक्रिया में नेताओं की गैर भागीदारी को भी सुनिश्चित किया जाए। अरुणाचल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि हम आंगनवाड़ी का हेल्पर और वर्कर्स का स्टेट चेयर देगा, तो आज तक 100 रुपया भी अरुणाचल गवर्नमेंट से स्टेट शेयर नहीं मिला है। कि लेबर वेलफेयर बोर्ड का जो बेनिफिशियरी है, जो बेनिफिट है, जो हाउसिंग लोन जो है 50,000 था, तो 50,000 को 2013 में हमारा चीफ मिनिस्टर
अरुणाचल का सीएम साहब है वो अनाउंस किया कि 50,000 का जगह में हाउसिंग लोन लेबर को घर बनाने के लिए 1 लाख देगा, तो वो एक तो अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ। दिल्ली विधानसभा चुनावों में शानदार जीत से उत्साहित आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि वो अगले साल असम में होने वाले विधानसभा चुनावों में भी दिल्ली के नतीजे दोहराएगी। आप नेता मनोरम गोगोई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि उनकी पार्टी 2016 के असम विधानसभा चुनावों को जोरदार तरीके से लड़ेगी। दिल्ली विधानसभा चुनावों के नतीजों ने दिखाया है कि मजबूत, ईमानदार और वैकल्पिक राजनीति के लिए गुंजाइश है। हालांकि उन्होंने कहा कि पार्टी को अभी भी फैसला करना है कि वह कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। गोगोई ने कहा कि हम जानते हैं कि हमारी पार्टी असम में फिलहाल उतनी मजबूत नहीं है, लेकिन अगले 6 महीनों में हम असम में पार्टी को मजबूत बनाएंगे। इसके लिए अरविंद केजरीवाल और अन्य केंद्रीय नेता भी राज्य का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि आप असम की समस्याओं को पहचानने के लिए लोगों तक पहुंचेगी और जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूती देगी। मणिपुर के शुमांग लीला शांगलेन पैलेस कंपाउंड में 8 फरवरी से 43वें ऑल मणिपुर शुमांग लीला फेस्टिवल की शुरुआत हो गई है। मणिपुर स्टेट कला अकादमी द्वारा आयोजित किया गया लीला फेस्टिवल 28 फरवरी तक चलेगा। फेस्टिवल में लड़कियों के 18 समूहों द्वारा नाटकों का प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं लड़कों के 12 ग्रुप भी नाटक की प्रस्तुति करेंगे। महिलाओं द्वारा दर्शाए जाने वाले नाटक सामाजिक मुद्दों पर आधारित होंगे। पहले के मुकाबले आज शुमांग लीला राज्य के सबसे लोकप्रिय कला का एक रूप बन गया है और आने वाले वक्त में उम्मीद जताई जा रही है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी शुमांग लीला को पहचान मिलेगी। शुमांग लीला के नाटकों द्वारा लोगों के समक्ष समाज की सच्चाई रखने की कोशिश की जाती है, ताकि लोगों को समाज के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों से रूबरू करवाया जा सके। There is no cash prizes. We try to cash prizes from the next festival. Already we have projected this and put up to the our authority. त्रिपुरा के उमाकांता ग्राउंड पर शुक्रवार से 12 दिनों तक चलने वाले 33वें अगरतला पुस्तक मेले की शुरुआत हो गई है। राज्य के सूचना और सांस्कृतिक विभाग द्वारा आयोजित मेले का उद्घाटन मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंह ने किया। इस मेले में कोलकाता, दिल्ली, गुवाहाटी और बांग्लादेश से पुस्तक विक्रेताओं ने हिस्सा लिया है। बुक फेयर में कुल 130 से ज्यादा स्टॉल लगाए गए हैं, जिनमें रियायती दामों में हर एज ग्रुप के लिए अलग अलग विषयों और क्षेत्रों से जुड़ी किताबों की ढेर सारी वैरायटी देखने को मिल रही है। मेले में कई आदिवासी और क्षेत्रीय भाषाओं सहित 20 से ज्यादा भाषाओं वाली पुस्तक भी मौजूद है। मेले का उद्देश्य लोगों को किताबों की ओर आकर्षित करना है। वही मेले में लोगों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। पुस्तक प्रेमी दूर दराज से पहुंच रहे हैं, जिससे प्रकाशकों का मनोबल भी बढ़ रहा है। আমাদের রাজ্যের মানুষদের বিশেষ করে নবীন প্রজন্মের যারা তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। ভালো বই পাঠের মধ্য দিয়ে মানুষের মধ্যে যে মানবিক যে মূল্যবোধ যা মানুষকে প্রকৃত অর্থে মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে সাহায্য করে সেই বোধ জাগাতে সাহায্য করে সহায়ক হয়। এই বইমেলায় এমন কতগুলি নতুন সংগঠন সংস্থা যারা বই ছাপিয়েছে, প্রকাশনা করেছে, তারা একেবারে আধুনিক প্রযুক্তিকে শেষ মুহূর্তে নিয়ে গেছে এবং বইয়ের ছাপা, বাইন্ডিং সবটাই দারুণ চমৎকার। খবরকে এই সংখ্যে ফিলহাল ইতনা হি, নমস্কার।